सुप्रभात। आज हम आपको भारतवर्ष के कितना नदियां के बारे में बताएंगे। आपको जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना में अंतर्गत आज रास्ता चौड़ीकरण हो रहा है, हमारा दूरी कम हो रहा है, हमारा समय जैसे बचत हो रहा है, ऐसे ही नदी के बारे में आपको आज मैं बताऊंगा। और ऐसे ही नदी को भी मैं मानता हूं, ये मेरा सोच है कि अगर इंटर कनेक्टिविटी सबको कर दिया जाए तब हमारा देश में फ्लड कंट्रोल हो जाएगा, नेटवर्किंग ऑफ रिवर्स। और वो पहले कितना रिवर है भारत में, ये तो पहले जानकारी होनी चाहिए, तब जाके नेटवर्किंग के बारे में हम सोचेंगे। मैं ये पीएचडी जब कर रहा हूं, वो रिसर्च कर रहा था कि ये जैसे कि सड़क को एक दूसरे से जोड़ दिया जा रहा है, नेटवर्किंग होता है, दूरी कम हो जाता है, समय बचत हो जाता है, पैसा बचत हो जाता है, ऐसे ही अगर हमको नदी को नदीकरण कर देंगे, एक दूसरे को नदी को जोड़ देंगे, फ्लो ऑफ वाटर इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर देयर इंग्रेडिएंट एंड ग्रेडियंट देख के, तो ये जो फ्लड होता है विभिन्न राज्य में वो भी बहुत कंट्रोल हो जाएगा और पानी की कहीं अभाव नहीं रहेगा। आप देखेंगे कहीं सालों सालों तक, महीना महीना तक कुछ कुछ नदियां ड्राई अप होके पड़े रहता है और कुछ कुछ भरे रहता है, पानी नहीं मिलता है। ये इंटरकनेक्टिविटी हो जाएगा, नदी की जब एक दूसरे से जुड़ा दिया जाएगा तब हमारा पानी की असुविधा जो है, जो कमियां है, वो बैलेंस हो जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा। ऐसे ही पहले आज हम बताएं कि नदी की जो हम बताएंगे कितना नदियां भारतवर्ष में है और वो सब ओरिजिन कहाँ से आता है और जहां के कहाँ मिलते हैं। आज एक ऐसा बात बोलने जा रहा हूं कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड वो है नीले, ये इजिप्ट में है, अफ्रीका में। बिगेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड ये अमेजन है, साउथ अफ्रीका में है। और लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द यूरोप वोल्गा है, रशिया में। ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। और लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द एशिया ये है यांगचे, चाइना में है। और लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया वो है गंगा, माता गंगा। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ इंडिया, गोदावरी। रिवर व्हिच मेक्स एस्ट्रीन इन इंडिया, नर्मदा ताप्ती। सरोवर ऑफ बंगाल, दामोदर रिवर। ये मैंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताया, कुछ जानकारियां दिया एट ए ग्लांस। अब आ रहा हूं मैं एक-एक स्टेट की मैं बताऊंगा, कौन सा स्टेट दे के गए हैं। और मैं बड़े से छोटे क्रम से आ रहा हूं, मैं जो बोलते जा रहा हूं बड़े से घटा घटा के छोटा नदी तक जाऊंगा। पहला है गंगा, वो इसकी जो स्टेट को टचिंग करता है, जो जो स्टेट को टच करके जा रहा है वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। इसका ओरिजिन है गंगोत्री में और मिलता जाके बंगाल में। नेक्स्ट है यमुना, ये उत्तराखंड से आता है, होते हुए हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली होते हुए वो बे ऑफ बंगाल में जाके समाप्ति होता है। और इसकी ओरिजिन है घरवाला यमुनोत्री में। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र जो है वो आसाम, अरुणाचल और तिब्बत होके जाता है और वो शुरुआत हुआ है लेक मानसरोवर से। मानसरोवर जो हर्द है वो वहां से उसकी ओरिजिन है और जाके मिलता है बे ऑफ बंगाल। महानदी है छत्तीसगढ़, उड़ीसा में होते हुए जा रहा है, दोनों स्टेट को पार कर रहा है। और ये अमरकंटक में है, एक चट्टान है अमरकंटक करके, अब जब जाएंगे अमरकंटक चट्टान के ऊपर से वहीं से बहता है और वो जाके मिलता है बे ऑफ बंगाल में। ऐसे ही आपकी गोदावरी है, वो महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश एंड पांडिचेरी होते हुए वो नासिक हिल्स से ओरिजिन होता है और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाता है। कृष्णा महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए इसकी ओरिजिन है नासिक हिल्स और जाके बे ऑफ बंगाल में ये पहुंचता है। कृष्णा जो है इसकी
उत्पन्नी है नियर महाबलेश्वर, ये महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में पहुंचता है। ऐसे ही नर्मदा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात होते हुए वो आरबीएन सी में टर्मिनेट होता है। ये अमरकंटक हिल्स में मध्य प्रदेश से ही ओरिजिन हुई है। ताप्ती मध्य प्रदेश महाराष्ट्र होते हुए गुजरात में जाके पहुंचता है और ये आरबीएन सी में ये एक बेतुल करके एक जगह है, वहां से ये उत्पन्न हुआ है। ऐसे ही गोमती जो है उत्तर प्रदेश गुजरात होते हुए वो जाके साइदपुर गाजीपुर के साथ समाप्ति होता है, उसका उत्पन्न है गोमताल में। कोसी जो है वो सिगेट से परफेक्चर जनकपुर संगमथा कोसी मोचीजोज होते हुए बिहार में होते हुए ये गंगा में जाके टर्मिनेट होता है। उसका उत्पन्न ही है गंगा है, गंगा से आता है, गंगा से ही मिलता है। ऐसे ही गंडकी है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश झारखंड बिहार होते हुए इसका ओरिजिन है नेपाल में और टर्मिनेशन होता है गंगा में। और बेटवा जो है मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश बहते हुए वो जाके रायघाट धाम में डैम में ये टर्मिनेट होता है और इसका ओरिजिन होता है विंध्य रेंज में। और सन जो है ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश झारखंड बिहार होते हुए ये ओरिजिन होता है गंगा से और टर्मिनेट जाके यमुना में होता है। ऐसे ही सतलुज जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब होते हुए बहता है और इसका ओरिजिन है माउंटेन का कैलाश हिल्स में और इसकी जो टर्मिनेशन है वो रोपार में। रवि जो है हिमाचल प्रदेश में होते हुए पंजाब पहुंचता है और इसका ओरिजिन जो है हिमाचल प्रदेश और चेनाब में ये जाके समाप्ति होती है। बीस जो है हिमाचल प्रदेश पंजाब होते हुए वो पहुंचता है मेंदी प्लेन में मंडी प्लेन में और एक शुरुआत है सतलुज में। सतलुज आपको जल विद्युत केंद्र होगा, आपको पता होगा। ऐसे ही चेनाब नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब होकर बहता है और ये ओरिजिन जो है वो पंचांद में है और ये जम्मू कश्मीरी जाके समाप्ति होता है। झेलम नदी जो है वो पंजाब जम्मू एंड कश्मीरी होते हुए बहता है और इसका जो उत्पन्न हुआ है पीर पंजाल रेंज में और चेनाब में जाके समाप्ति होता है। और कावेरी जो है ये कर्नाटक तमिलनाडु होते हुए ये दोनों राज्यों को छू के वो बे ऑफ बंगाल में टर्मिनेशन होता है और ये जो है शुरुआत हुई है ये हिल्स ऑफ कुर्ग में, ये एक कर्नाटक का एक जगह का नाम है। और घाघर नदी जो है घाघर नदी वो हिमाचल प्रदेश और राजस्थान होके बहता है और ये सिक्की हिल्स में होते हुए वो उत्पन्न होते हुए ये हिमाचल प्रदेश का एक जगह का नाम है। ये इंडस के पास जाके मिल जाता है, आप नाम सुना होगा इंडस वैली। तो हुगली जो नदी है वो वेस्ट बंगाल और कोलकाता में होते हुए वो गंगा नदी से उत्पन्न हुई है और बे ऑफ बंगाल में वहीं पे समाप्ति हुआ है। और दामोदर जो है नदी दामोदर वैली आप लोग नाम सुने होंगे, वहां पे डैम है हमारा हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक की स्टेशन है, वहां पे झारखंड और बंगाल होते हुए ये जाके छोटे नागपुर में वो मिलता है प्लाटू में प्लेन में चला जाता है और ये शुरुआत है हुगली रिवर से हावड़ा से। और इंडस जो है ये गिलगिटी से होते हुए जम्मू कश्मीर और खैबर होते हुए पंजाब और सिंध तिब्बत तक छूता है। ये प्रांत को छू के ये उत्पन्न जो हुआ है इन तबियत कैलाश रेंज से। आपको पता होगा ये करीब 5,080 मीटर के ऊपर से ही है वो पर्वत की तो बहता है वो जो फाउंटेन वो जो झरना और ये जाके आरबीएन सी में टर्मिनेट होता है। तुंगभद्रा कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना होते हुए ये कृष्णा नदी में समाप्ति होता है और वो शुरुआत ही कृष्णा से ही शुरू हुई है, उत्पन्न हुई है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कृष्णा। ऐसे ही आपकी जो माही है मध्य प्रदेश है होते हुए विंध्यास जाता है और ये गल्फ ऑफ खंबात आरबीएनसी से उत्पन्न हुई है, समाप्ति उसकी सेवालिया में है।
और भागीरथी जो है उत्तराखंड में, और शुरुआत है गंगा में, उसकी समाप्ति भी गंगा में। ऐसे ही सारमती जो नदी है वो आरावली रेंज से है उदयपुर में, और ये देवर लेक से शुरू हुई है एक लेक से, और ये समाप्ति होता है गुजरात में। ऐसे ही आपका अलकानंदा उत्तराखंड का होते हुए ये गंगा से शुरुआत करता है और नंदा देवी से समाप्ति होता है। तीस्ता जो है सिक्किम इंडिया वेस्ट बंगाल रंगपुर बांग्लादेश होते हुए वो शुरू होता है ब्रह्मपुत्र से और जाके रंगीत रिवर में समाप्ति होता है। इंद्रावली जो है उड़ीसा, इंद्रावती बोलते हैं उसको, उड़ीसा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र होते हुए ये शुरुआत जो है कालाहांडी करके के जिला है वहां से, और गोदावरी में जाके ये समाप्ति होता है। भीमा जो है वो महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना होते हुए जाके पंढरपुर के पास ये समाप्ति होता है, और कृष्णा नदी से ये शुरू हुई है। शुभम रेख जो नदी है वो झारखंड उड़ीसा वेस्ट बंगाल होते हुए बहता है और शुरुआत है बे ऑफ बंगाल से और समाप्ति होता है बे ऑफ बंगाल से। कोनिया जो है वो महाराष्ट्र बहता है और कृष्णा रिवर से शुरुआत है महाराष्ट्र में समाप्ति हुई है। और रामगंगा जो है वो उत्तराखंड होते हुए उत्तर प्रदेश छूता है और गंगा से उत्पन्न हुआ है और रामगंगा डैम में समाप्ति हुआ है। ऐसे ही पीना जो है वो आंध्र प्रदेश कर्नाटक छूते हुए ये शुरुआत नंदी हिल्स से हुई है और जाके बे ऑफ बंगाल में समाप्ति होता है। ब्राह्मणी जो है वो उड़ीसा में बहता है और ये बे ऑफ बंगाल में शुरुआत तो हुआ है और गंगा में जाके समाप्ति हुआ है ब्राह्मणी। ऐसे ही परियार जो है केरला में और तमिलनाडु में बहता है और इसकी शुरुआत जो है जन्म जो है ये कार्डोमैन हिल से है और बे ऑफ बंगाल में जाके समाप्ति होता है। और महानंदा जो है ये वेस्ट बंगाल एंड बिहार में होता है और ये लाक्षाद्वीप से शुरू होता है और जाके बे ऑफ बंगाल में समाप्ति होता है। भाई गई जो होता है नदी वो है तमिलनाडु में बहता है और ये परियार प्लाटू से शुरू हुई है और बे ऑफ बंगाल में समाप्ति होता है। अंत में सरदा जो होता है ये उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश होते हुए गंगा से शुरू होता है और जाके ये घाघरा में जाके नदी में समाप्ति होता है। आपको मैं यहाँ पे बोलूंगा हमारा जो सबसे बड़ा नदी है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया जिसको हम गंगा कहते हैं, उनकी जो लेंथ है ये लगभग 2525 किलोमीटर, और जो सेकंड नदी है यमुना, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर जो है यमुना, वो करीब 1376 किलोमीटर की लगभग दूरी है। और तीसरा जो है हमारा ब्रह्मपुत्र वो लगभग 2900 के आसपास किलोमीटर बहता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है अलग अलग रेंज में ये सब नदियां जो है सब कैटेगरी किया गया है, और ये जानकारी आप लोग को अच्छा लगेगा। हमारा नदी से भरा हुआ देश है, पानी की कोई कमी नहीं है, है तो वाटर मैनेजमेंट की कमी। वाटर मैनेजमेंट अगर सही है, नेटवर्किंग ऑफ द रिवर्स हो, देन हमारा बैलेंस ऑफ द वाटर जो हर प्रांत में हो पाएगा। जो पानी समुद्र को चला जाता है उसको कनेक्टिविटी अगर हम डायरेक्ट समुद्र को ना होते हुए नेटवर्किंग करके, नेटवर्किंग माध्यम से डिफरेंट स्टेट को चैनलाइज किया जाए, तब हमका पानी का जो स्कार्सिटी है वो पूर्ति हो जाएगा और हमारा बेनिफिट होगा, पानी की कमी नहीं होगा, एनवायरमेंट संतुलन रहेगा। सबसे बड़ा फायदा ये होगा आपका फ्लड कंट्रोल हो जाएगा, फ्लड मैनेजमेंट भी हो जाएगा। आप लोगों को कैसे लगा हमारा देश की नदियां के बारे में वो आप लोग कमेंट करेंगे। मुझे लगता है मेरे संज्ञान में जितनी जानकारी था
हो सकता है उसी में कुछ भूल चूल हुई होगी, वो आप सुधार करिए। लेकिन मेजर मेजर जो नदियां, इसका अलावा छोटा छोटा बहुत नदियां हैं, ऐसा नहीं है, छोटा छोटा और भी नदियां हैं, लेकिन जितनी मेरी संज्ञान में मेजर मेजर नदियां था भारतवर्ष की, हमने आप लोग के सामने रखा, मेरा ज्ञान को मैं साझा किया, शेयर किया, और आप लोग का कमेंट्स को मैं इंतजार करता हूं। धन्यवाद।